अपराजिता का प्लांट मैंने अपने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने उसकी केयर और उसके फ्लावरिंग के बारे में और छोटे से प्लांटर में उसको कैसे मेंटेन करें ये बताया था। तो आज मैं उसके कुछ मेडिसिनल वैल्यूज़ के बारे में बात करूँगी और उसको कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं बताऊँगी। तो ये अपराजिता का जो प्लांट है, इसको बटरफ्लाई ब्लू या अगर ये पिंक कलर का है तो बटरफ्लाई पिंक कहते हैं। तो उसको हम यूज़ करने के लिए उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जिसको कि बटरफ्लाई पिंक या ब्लू टी कहते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो इसके जो फ़ायदे हैं या बेनिफिट्स हैं उनको मैं बाद में करके शेयर करूँगी। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मैंने अपने प्लांट से कुछ फ्लावर्स कलेक्ट किए थे। ये ड्राई होके ख़ुद भी गिर जाते हैं और आप चाहें तो इनको जब ये गिरे नहीं हैं तब भी आप इसको तोड़ के और सुखा के और इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह के ये दिखते हैं, इस तरह से आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है कि ये वाला पार्ट निकाल देना है और ये पार्ट यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास प्लांट है तो आप खुद भी इसको बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको या तो आप इसको डिकॉक्शन बना सकते हैं या फिर इसका इन्फ्यूज़न। तो दोनों में आपको गर्म पानी यूज़ करना है। तो मैं आपको एक तरीका यहाँ पे बता रही हूँ कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक गिलास में एक कप में आपको गर्म पानी लेना है। जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए गर्म पानी लेना है और एक कप पानी में करीब 7 से 8 जो फ्लावर्स हैं इनको आप ये पीछे का जो पार्ट है वो निकाल के और इसमें आप उसको डाल दें। पानी गर्म होना चाहिए। आप चाहें तो इसको पानी के साथ बॉयल भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बॉयल करने के बाद आप देखेंगे कि इसका सारा जो कलर है वो इसमें निकल जाएगा। तो फिर उसको आप छान के और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 6 से 7 आप इसको रख दें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसमें ये अपना कलर छोड़ना शुरू कर देगा। और जितनी भी इसकी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज़फुल हैं वो सारे उसमें उसकी लीचिंग हो जाएगी। सारा उसमें मतलब उसका जो बेनिफिशियल पार्ट है वो पानी में चला जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके फ्रेश फ्लावर भी आप यूज़ कर सकते हैं और ड्राइड भी, दोनों तरह से जैसा आपके पास अवेलेबिलिटी हो। और इस टी को भी आप चाहे तो गरम या फिर इसमें आइस डाल के ठंडा, दोनों तरह से इसको यूज़ किया जाता है। और इसको करीब 4 से 5 मिनट लगते हैं ऐसे। तो अगर मैं इसको वेट करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो वो मैं दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा आता है। क्योंकि मेरे पास पर्पल वाला था प्लांट, इसलिए इसका कलर ऐसा आया है, ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये थोड़ी देर में ये भी ऐसा ही हो जाएगा। तो ये इसके इतने फ़ायदे हैं। जैसे आप अगर कॉफ़ी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका बहुत अच्छा ये सब्स्टिट्यूट है, जिसमें कि कैफ़ीन नहीं है, कैफ़ीन लेस है ये। और इसमें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और इस टी को ब्लू टी भी कहते हैं। तो और इसके साथ ही ये है कि इसमें आप चाहें तो अलग अलग फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। जिंजर डाल के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो आप इसमें लेमन भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। मैं लेमन के साथ इसका एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ आपको। बहुत ही प्यारा सा कलर, पिंक कलर आता है अगर आप इसमें लेमन डाल देते हैं तो। तो इस तरह से आपके पास काफ़ी कलरफुल और अच्छी सी ड्रिंक बन जाती है। देखिए इसमें जैसे ही आप लेमन डालते हैं, लेमन डालते ही इसका बड़ा प्यारा कलर, पिंकिश सा कलर आता है। आपको दिखाती हूँ, शायद विजिबल होगा। देखिए, और इसका ये ओरिजिनल कलर है। शायद ऐसे ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये ओरिजिनल कलर है, पर्पल सा, ब्लू सा, और ये लेमन डालने के बाद पिंक कलर। तो ये अच्छा भी लगता है काफ़ी देखने में फैंसी सा। आप चाहें तो इसको कलरफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इसका जो कलर है इसके, ये एक तरह के पहले के टाइम में पुराने ज़माने में जो ये अपराजिता का फ्लावर है वो डाई की तरह यूज़ होता है और इसका कलर पीएच चेंज के साथ चेंज होता है क्योंकि हमने लेमन डाला है। लेमन का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है, जैसे ही उसमें लेमन गया तो इसका कलर चेंज हो गया। अगर आप इसमें कुछ बेसिक सब्सटेंस डालते हैं तो हो सकता है इसका कलर रेड की तरफ जाए या कुछ और जाए, चेंज हो इसका कलर। तो इसकी अगर हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। जैसे कि इसको हम यूज़ करते हैं बहुत सारे इनडाइजेशन के चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए। जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी अगर ये टी यूज़ करे तो उसमें बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ ये स्ट्रेस बस्टिंग का भी काम करता है, स्ट्रेस बस्टर होता है। तो जिनको स्ट्रेस वगैरह की ज़्यादा दिक्कत रहती है वो भी अगर रेगुलरली इस टी को यूज़ करते हैं तो उनको बेनिफिट मिल सकता है इसमें, क्योंकि मूड इनहांसर की तरह भी काम कर सकता है। और इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कोई कैफीन नहीं है, कोई फैट नहीं है। तो जो लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं या वेट लॉस के लिए चाहते हैं कि वेट लॉस हो उनका और वो टी भी नहीं छोड़ पा रहे, तो टी का रिप्लेसमेंट बहुत अच्छा है ये। तो टी की जगह पे आप ये ब्लू टी, बटरफ्लाई टी यूज़ कर सकते हैं या पिंक, अपने जैसा आपको अच्छा लगे। और साथ ही साथ इसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्किन की हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करता है, काफ़ी अच्छी हो जाती है स्किन अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो, क्योंकि ये कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है और साथ ही साथ ये हेयर ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करता है क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो जो हेयर बल्ब्स होते हैं, जो हेयर रूट में ब्लड सर्कुलेशन को जो बढ़ाएगा ये, तो अल्टीमेटली हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ ही साथ क्योंकि इसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स बहुत सारे होते हैं इसलिए ये कार्डियक जो भी प्रॉब्लम होती हैं उसमें भी काफ़ी यूज़फुल होता है। मतलब आपके हार्ट के हेल्थ को ये ठीक रखता है। और क्योंकि इसमें प्रोएंथोसाइनिडिन होता है इसलिए ये आईसाइट को भी इम्प्रूव करता है और बहुत सारी ब्रेन को भी ये काफ़ी हेल्दी रखता है। तो इस तरह से अगर हम देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि ये तो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। शायद इसीलिए ये बहुत ही हमारे एंशिएंट टाइम से ये यूज होने वाला पौधा है और इसको एक अच्छी जगह मिली हुई है। बहुत ही ऑस्पिशियस प्लांट मानते हैं इस अपराजिता को। तो देखिए शायद पानी ठंडा हो गया है इसलिए ये अभी कलर इसका इतना नहीं आया, हल्का हल्का आने लग गया है। तो अगर ये पानी गर्म होता तो ये जल्दी हो जाता, क्योंकि मैं बाहर ले आके वीडियो बना रही हूँ और सर्दी का मौसम है तो पानी बहुत जल्दी ठंडा हो गया, इसलिए ये नहीं आया है। अदरवाइज़ इसका कलर ये ही आता। तो इसमें कहते हैं कि हिबिस्कस की कोई वैरायटी है उसकी लीव्स अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये रेड कलर आएगा। लेकिन मैं नॉर्मल जो हिबिस्कस होता है, मतलब गुड़हल होता है, उसकी पत्तियां और फ्लावर दोनों ऐड करके देखे तो कोई कलर चेंज नहीं आया इसमें। और लेमन से भले ही बहुत ही प्यारा कलर आया। तो ये मेरा फेवरेट है ये कलर। आप इसमें चाहें तो हनी ऐड कर सकते हैं थोड़ी स्वीटनेस के लिए, क्योंकि आप हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो शुगर अवॉइड करें, हनी यूज़ करें। तो ये मुझे आपके साथ एक वीडियो शेयर करनी थी, मुझे लगा कि ये थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।